नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 8 कार्य दिवस 9 जाए चलो गृह कार्य सरकार को टार्गेट पर विरोधी हाथ में मालमाल प्रसंग गृह उठिपे मरुड़ी सार अभाव आईन श्रृंखला कथा केबे जेरा हबे आईन मंत्री प्रताप जेना महांगा डबल मर्डर घटना रे मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करने को रही कोर्ट को निर्देश मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी रखी बीजेपी इस्तफा नदेले विधानसभा रे प्रतिवाद चेतावनी नयगढ़ पुणी सामना को आसला भ्रूण हत्या अभियोग घरोई क्लिनिक रे चलीला बेआईन गर्भपात चढ़ाउ परे टाउन थाना आनंद भवन क्लिनिक सील राज्य में 24 घंटा 719 पॉजिटिव 53 मृत खोर्धार सर्वाधिक 269 आक्रांत आज सारा राज्य में नुआ कोविड गाइडलाइन लागू सेबे श्रद्धालुओं पर खुलिला लिंगराज द्वार थे 100 भक्त करिबे दर्शन आज स्वामी प्रभुपाद जयंती इस्कन प्रतिष्ठाता श्रीराम प्रभुपाद 125तम जन्मवार्षिकी स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे नुआ 125 टंका कॉइन रो उन्मोचन विश्वरे कृष्ण को भक्ति और शिक्षार प्रचार थिला बड़ अवदान एनएमपी को ने प्रश्न उठाउथबा विरोधी को अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब देशर हित पई काम करूछि मोदी सरकार योजना रे प्रतिवर्ष 1.5 लाख कोटी टंका उठाइबा को लक्ष्य देखा संपूर्ण खबर आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन एक अधिवेशन बेस सरगरम विभिन्न प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबा को प्रस्तुत होती विरोधी मरुड़ी सार अभाव जलसेचन अभाव आईन श्रृंखला परिस्थिति मानववाद संगठन अत्याचार महंगा डबल मर्डर भली एकाधिक प्रसंगे सरकार को घेरिबा को प्रस्तुति रही बीजेपी सेबरे कोटिया सीमा विवाद रे राज्य सरकार फेल मारिबा पश्चिम ओडिशा को अवहेला विद्युत शुल्क वृद्धि डीएमएफ फंडी दुरुपयोग विजु जनता दल ओबीसी राजनीति आयुष्मान योजना सारर अभावी बिक्री को नहीं सरकार को घेरिबे बीजेपी कांग्रेस तो मौसुमी अधिवेशन आज विधानसभा 8 कार्य दिवस रही मौसुमी अधिवेशन रे विरोधी पाखे मालमाल प्रसंग रही सरकार को घेरिबापी एवं आशा करा विधानसभा बे सरगरम चलित मौसुमी अधिवेशन सेबे सरकार कौन डिफेंस मेकानिजम अपनाउछंती ना काउंटर अटैक करुछंती सरकार सभा सरकारी दल ता समस्त नजर रही राज्य में मरुड़ी सार अभाव जलसेचन अभाव आईन श्रृंखला परिस्थिति मानववाद संगठन अत्याचार महंगा डबल मर्डर विद्युत शुल्क वृद्धि डीएमएफ फांटीर दुरुपयोग पांठीर पश्चिम ओडिशा को अवहेला सीमा विवाद रे राज्य सरकार फेल मारिबा सारर अभावी बिक्री एभले अनेक प्रसंग रही विरोधी पाखे सरकार को घेरिबा को विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सेबे सरकारी दल के अपनाऊ के आभिमुख्य अपनाऊ डिफेन्स मेकानिजम रही काउंटर अटाक कर समस्त नजर रही बाबा मानस दास केन्दुझर रे भी साम्राज्य मानववादी संगठन बाबा मानस दास निरीह आदिवासी को टार्गेट करी केन्दुझर जिला आदिवासी बहुत बांशपाड़ बोलाउथला साम्राज्य गत साधारण निर्वाचन पूर्व केन्दुझर निरीह तथा अशिक्षित आदिवासी पड़ा
मानस दास नजर एमानक सरलतार सुजोग नहीं सेमानक निज मानववादी संगठन में सामिल कर चलते केन्दुझर बांसपाल ब्लॉक अंचल करंगाडीह बारहागड़ गुनासिका तर्माकांत आदि बहु अंचल मानस दास मानववादी संगठन प्रादुर्भाव बढ़ी चलिछे। खाली सेतिक नुहे संगठन सदस्य मानक उग्र व्यवहार से अंचल भयर वातावरण सृष्टि होता अभियोग हुई। सरकार को विभिन्न योजना को प्रत्याख्यान करने को लोकों पर चाप प्रयोग आसोग सूचना अनुसार से कथा न मानिले लोकों मारपीट करवा संगठन काम एपरिक कार्यकला विरोध कर संगठन सदस्य मैंने करदांगी पंचायत तीन नंबर वार्ड मेम्बर भुवन सरंगी को निर्धुम माड़ मारी लहुलुहान कर संगीन अभियोग आ तो केन्दुझर में मानववादी संगठन प्रादुर्भाव देखा मिली बांसपाल अंचल जोठी अधिक निरीह आदिवासी माने रुहंती सेमान को मताई सेमान को भयभीत करी निज संगठन में सामिल करने सहित निजे कहुता कथा को जदि ग्रहण न करती ताहले लोकों ऊपर सदस्य माने आक्रमण करुथबार माने संगीन अभियोग आसी। गत वर्ष जो अक्टूबर 6 तारीख दिन आमर गाँव रे घटना घटी जाता यहाँ लुचा छपा ये से मीट करते बण जंगल मीट करते आउ नई नाड़ भी केत मीट करते से रोष कर खाऊ राति सब मीट करते राति आर जो जो लोक मैंने से मैंने ठार ठोर करदे कि कौन टे डाक डुका देने बाहरी जाते सांगे सांगे आम संगठन आस आस से बस आहरी किए मिस कह मिस आम सांगे न मिसले तुम्हें पचर भोग आमको आज्ञा कहते आम तो आज्ञा से सरकारी गोटे वार्ड मेम्बर धरीचु मैंने आम आउ कहीं आम से संगठन कि संगठन आम जीवू आम सरकार जहाँ चिठीपत्र धारा मध्यम आसिले से मध्यम आम मीट करने आम राजी आउ अलग अर्गानाइज मीट आज आम चाहे कि आम एजेंडा मीटर आम बसीना गुरुजी पाखे कौन आओ गुरुजी पाखे आम भाई भाई भितर मिलामिश रहा सुख शांति रहा आउ झगड़ा झाटी किसी लगे ना ये आमको शिक्षा दे आम झगड़ा झाटी कहारी सागर करू ना खुशी से चलु आराम चलु आम हो खटिकिया दिन मजुरी गरीब लोक सर्वहरा भूमिहीन गरीब लोक तो आम मटी हेले सिना घर कर रहीबू आम तो मटी ना 75 वर्ष है 75 वर्ष है मटी ना आम हाथ में से मटी धरणीधर जो विप्लव करते आम विप्ल कर धरणीधर मटी विप्ल कर जीवन दे मटी भी आम भी लड़ुचु से मटी हेले आम घर कर छुआपिला करेंगे घर तो इन अधिक सूचना पे अच्छे प्रतिनिधि संग्राम होता संग्राम केवल खोर्धा नुह केन्दुझर में मानस दास आईन चलुला मानस दास इशारे जदि कई कार्य न करती तो संगठन सदस्य मैंने निर्धुम पिटुवर अभियोग आसी घटना आसवाप आसवापे कहुपे जे राज्यर अन्न्य अंचल मानववाद संगठन यह अत्याचार करुला यह निरीह आदिवासी अत्याचार चल निश्चित अपूर्व देखु खाली जे खोर्धार सीमित रहा तार जिलार राज्यर अनेक स्थान एमती मानववाद संगठन कार्य करमी संगठन न रेल अकथन अत्याचार दिखाला बर्बर सहित माड़ मरा जाता एमती अनेक हत्याकांड भी खोर्धार घटी देखो बेगुनिया कहतु बोलगढ़ अंचल कहतु खोर्धा सदर थाना अंचल में कल तो नुआ तीन गोटे अभियोग मानव दास विरोध में आई 2012 गोटे हत्याकांड 2013 जन हत्याकांड 2020 तीन गोटे हत्याकांड नुआ अभियुक्तर फर्दर जोड़ी जमी जो भंड बाबा साजिथ आत्मघोषित कथाकथित भंड गुरुजी मानस दास किभरी मानववाद संगठन आरे आतंकराज चलते किभरी संगठन रहा लोक बाध्य करा जो मैंने भी संगठन बाहर थे किभरी सहित किभरी भाव अत्याचार निर्यातना और शोषण करा अनेक खबर सामनाक आ धीरे धीरे ए बाबा गुमर मध्य भी खोल लगुच्छे आम अर्गस न्यूज प्रति सब जितने दाड़तला अंचल छः गोटी पर तड़ा दी जाता है मानव संगठन निष्ठुम माड़ मारी गाँव विताड़ित करते निर्यातना सही से गाँव छाड़ी आसी एक जंगल कोण पाखे अर्गस न्यूज टिकिनी भाव पहुंची खबर प्रसारण करता से भयभीत अवस्था रही है किभली भाव से मीडिया को सामना करेंगे किभली भाव ए पुलिस ए प्रशासन को सामना करेंगे जेहेतु से सरल निष्पसित गरीब श्रेणी लोक मैंने भयभीत रही मनर
अर्गस न्यूज पाखे पहुंचा स्वर उत्तोलन साहय कर खोर्धार सीमित अच्छी नुहे राज्य अंचल आसुच्छे सरकार केवली एक्शन नेउछन्ती नजर रही बहुत धन्यवाद संग्राम होताम प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देउथिले बड़ खबर जहाँ वर्तमान समय आसी पहुंचुची जे राज्य में सार अभाव को नहीं राजभवन सम्मुखें बीजेडी धारणा एने बड़ खबर आसी पहुंचुची सीधा सुन नहीं चलु प्रतिनिधि चिन्मयी अच्छा अधिक सूचनापी चिन्मयी बीजेडी कौन अभियोग कर निर्दिष्ट भाव क्यों एजेंडा सहित राजभवन सम्मुखें धारणा दे चिन्मय सुनी पार्टी बीजेडी आज कौन अभियोग सहित राजभवन सम्मुखें प्रतिवाद कर सीधा सड़क चित्र आसी पहुंचुची राजधानी भुवनेश्वर राजभवन सम्मुख जो विजु जनता दल आज प्रतिवाद कर राज्य में सार अभाव को नहीं गोटेपटे विधानसभा आरंभ हो विरोधी हाथ में मलमाल प्रसंग सरकार को घेरवाई आपटे बीजेडी आज राजभवन सम्मुखें प्रतिवाद कर राज्य में सारर अभाव रही सार अभाव जो चाषी अंतशंत हो चाष कम अधार अटकी भाव अभोग आने सहित आज विजु जनता दल प्रतिवाद कर राजभवन सम्मुखें जार चित्र आसी पहुंचुची आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू अच्छा सीधा सब नहीं चलो अधिक सूचना प्रकृत में क्यों मैंने सामिल होती प्रतिवाद में कौन निर्दिष्ट अभियोग रही बीजेडी समय चेक ब्रेक खूब शीघ्र फेरुचु ये खबर को आगे बढ़ेगा तो ब्रेक में पुणि थे स्वागत सीधा सब नहीं चलु राजभवन सम्मुख को जो बीजेडी तरफ आज प्रतिवाद कर राज्य में सारर अभाव को नहीं केन्द्र सरकार को दायी करने सहित तो बीजेडी आज प्रतिवाद को ओह्लाई चिन्मयी साहू प्रतिनिधि लगातार अच्छा चिन्मयी अभियोग तो रही सारर अभाव किंतु ता सहित कौन निर्दिष्ट तथ्य रखुचे बीजेडी जे राज्य में सारर अभाव रही चाषी अंतशंत होती प्रतिवाद कौन पर मुहर प्रतिक्रिया नि इंश्योरेंस स्कीम कथा देखिए से निश्चिंत भाव में देखिए सी इन टाइम मिलूना जैसे आसेसमेंट हवा कथा से आसेसमेंट निश्चिंत भाव में आम तो दाबी रखार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सब बेले दाबी रखी नार्ज दाबी रखी जहाँ ओडिशा स्वार्थपी ओडिशावासी स्वार्थपी सब दाबी रखी आम दाबी रखू सब सब क्षेत्र में ओडिशा को आम जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छे अभियोग केवल रही सार जी आवश्यकता अच्छी सार दि जाए ना आम खरीफ सीजन में जी सार यूरिया आवश्यकता अच्छी आमको से सार देदे अनुरोध रही राजभवन सम्मुखें प्रतिवाद कर तो सीधा सड़क चित्र आप देखते राजभवन सम्मुखें जो बीजेडी तरफ प्रतिवाद करा तमाम नेत्री उपस्थित अच्छा दाबी रखी राज्य में सारर अभाव रही केन्द्र सरकार तरफ सार जोगाई दि जाऊ दाबी सहित आज बीजेडी राजभवन सम्मुखें प्रतिवाद कर बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देते तो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो सीधा सड़क नहीं चलु जिला
चंद्रमा शांता पूर्वतन सदस्य 5 मार्च 1938 जन्मग्रहण करते 1980 मसीह निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित नयगढ़ पुणी सामना को आसला भ्रूण हत्यार अभियोग एक घरोई क्लिनिक रे गर्भपात चलता बेले चढ़ाउ करी क्लिनिक को सील कर नयगढ़ तहसीलदार नयगढ़ टाउन थाना अंचल रे थिबा आनंद भवन क्लिनिक रे एभली घृणीय काम चलता खबर पाई टाउन थाना पुलिस और नयगढ़ तहसीलदार मिलित चढ़ाउ करने अनिर्दिष्ट काल पर्यंत सील कर सेपटे पुलिस क्लिनिक मालिक सत्यप्रिय स्वाईं और गर्भपात करने को आसी महिला अटक रखी अधिक पचराउचरा कर सूचना मिली राति को आम मान को गोटे इनफर्मेसन मैंने पाई कि इलीगल अबॉर्शन चली तो हमारी पुलिस की टीम तापर एडमिनिस्ट्रेशन और ये डॉक्टर की टीम समस्त मैंने मिलकर एक जॉइंट रेड कर और एबे केस रजिस्ट्रेशन है इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन का जो अबॉर्शन अच्छी उसमें पाई और अभी इन्वेस्टिगेशन चली केस नंबर 182 टाउन पुलिस स्टेशन में मैंने केस रजिस्ट्रेशन करी और अभी तदन चली देखिबा कि कौन कौन हेबो स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन चली मैंने एबे प्रमाण यदि बेसी आसीबो तो मुझे चाहूँगी कि कन्विक्शन हेबो क्योंकि कहीं घटना मत बहुत दुखद लगुच कि एमती जो सब घटना हो सब सोसाइटी को इंपैक्ट करुच्चपी मुझे आसी कि हमें भल से प्रमाण फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें माने अरेस्ट तो हेबो ही हेबो पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल भल से यदि प्रमाण मिली जीवो तो हमें माने चाहूँ कि कोर्ट में से कन्विक्शन हो 2017 मसीह महांगारे होता नाबालिका दुष्कर्म मामलें अभियुक्त को दोषी सब्यस्त कले पोक्सो कोर्ट दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारादंड 10,000 टंका जोरीमाना करिछंती कोर्ट जोरीमाना नदेले अधिक 1 वर्ष जेल दंड राय सुनाइले कटक पोक्सो अदालत 2017 मसीह एप्रिल 11 तारीख होता दुष्कर्म मेलन जात्रा देखा जाइए जो थे कि आसामी प्रमोद बारिक मेलन हेतु बाजा बाण इत्यादि रोशनी चलता तार सुजोग नहीं झीटी को ले जाता गोटे निछाटिया जगह को शमशान को से जगह धर्षण कर ग्रामांचल रे घरे घरे बिजुली आलो जोगाइबा सरकार मालामाल योजना करी खर्च करुछंती कोटी कोटी टंका हेले विभागीय अधिकारी और ठिकादार खामख्याली मनोवृत्ति जो अनेक गाँव को संजोग हो पारुनी विद्युत सेवा फलरे डिबिरी आलो रे देशर भविष्य गजपति मोहनारू देखिबा ए रिपोर्ट गाँव पोता होइछि माळमाळ विद्युत खुंट ट्रांसफॉर्मर मध्य लगा जाइछि समस्तक घर को विद्युत तार भी खंजा जाइछि तार मध्य टणा जाइछि घरे घरे मीटर और स्विच मध्य खंजा जाइछि हेले दुर्भाग्यर कथा वर्तमान सुधा गाँ को संजोग हो पारुनी बिजुली कागज कलम विद्युत संजोग सरी जाइथिबा बेले एबे भी अंधार रे आदिवासी हरिजन परिवार ए दृश्य हेउछि गजपति जिला मोहना ब्लॉक जिरांगो पंचायत जामडीह गाँव एठी डिबिरी आलुअरे पिलांक भविष्यत गढ़ा जाउछि वर्ष वर्ष धरी ग्रामवासी विद्युत संजोग पाई स्थानीय सरपंचक ठारु आरंभ करी विभागीय उच्च पदस्थ अधिकारी अभियोग जणाई आसुछंती किंतु सेमानक गुहारी केही बुझुनथिबा अभियोग करिछंती ग्रामवासी बर्तमान दीर्घ 60-62 वर्ष हलाने बसवास करी आसछु सेथिरे जाय किछि पूर्वधारणा आम जिम चलिया त चलुथुलु जतेबेळ आमर लागू कले गवर्नमेंट करंट सब जगार जीव विद्युत जलि से दिन तो आम भी जाए जाए आसलु किंतु 2017 आम गाँव को पास कले पास कर गोटे कंट्राक्ट लीज नहीं कंट्राक्ट कौ गाँव आम जानू किंतु से आसिले खुंटी अधा रास्ता पुतिले पुति अर्थ कौन तक कहले आम गाँव को आसिले बैठक कले आम कहले तुम्हें खात कर प्लस आम आसबू तुम्हें साय कले आम तुमको करंट देव सरपंच को कौ मेन आम सरपंच महाशय ताकू कौ ग्राम सेवक को कौ
ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କାମ ନେଇଥିଲେ। ଘରେ ମିଟର ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଠିକାଦାର କାମକୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ, ତା ପରଠାରୁ ସେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ଲତା ବୁଦା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜାମଢିଓ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଜନସାଧାରଣ, ଯେତେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ କୌଣସି ଗାଁକୁ କ'ଣ ନଥିବ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାଇଡ଼ାଟା ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବାଇଡ଼ାଟା ଦେଇଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଏ ମାସେ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ କିମ୍ବା ହାବିଟେସନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମଡିହ ଗାଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶାପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା SBI ଶାଖାରୁ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ରୂପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାତ୍ର 4 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନଗଦ 8,63,058 ଟଙ୍କା ଓ 8,30,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ବିଲ ଭିତରେ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକକୁ ହେପାଜତକୁ ନେବା ସହ ତା ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ହେଲେ ହଇରାଣ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବା ସୂଚନା। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ସୋମବାର ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳ 6 ଆସି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ପହରଦିନ ଆସିଥିଲୁ ସୋମବାର, ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ବୁଧବାର ଆସିବ 2 ତାରିଖ। ଆଜି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପଳାଇଲେଣି, ଆହୁରି 100-150 ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ପଳାଇ ସାରିଲେଣି। ଟିକା ନେବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ରାୟଗଡ଼ା କପିଳାସ ରୋଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବି ରାଜୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ତେବେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କରାଯାଉଛି ଅନୁମାନ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜୁଙ୍କ ସହ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅଟକ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଝଡ଼, ଏହାପରେ କିଛି ଜଣ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଏରିଆ, ଆମକୁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆମର ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଘରେ ପୋଡ଼ିକ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲିକି କିଏ ମରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିକି ଅଛି ଏଠି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ପଟ ପାଖରେ ପୋଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ଝଗଡ଼ା ଛୋଟଟା ହେଲା, ମାରିକି ଆଣିଦେଲୁ, ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି କହୁଛି।
ତା କ୍ଲିୟର ଧରିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ରାତି ଆମ ଘରେ ଥିଲା ସେ ମୋର ମାଇକିନା ସହିତ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଆମ ମାରିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଲାରୁ ସେ ଏକା ନିଜେ ମରିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।